नमस्ते दोस्तों, रिव्यूनेक्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर करें। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड फोर्थ EVS 1 सब्जेक्ट का फिफ्थ लेसन, जिसका नाम है वॉटर फॉर एवरी हाउस होल्ड। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। तो वाटर फॉर एवरी हाउस होल्ड यानी घर के लिए, हाउस होल्ड यानी घर बार, हर घर के लिए जो पानी लगता है उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं कि घर में वो पानी कैसे मिलता है, हमें कैसे वो सेव करना चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे हमें यूज करना चाहिए, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। कैन यू रिकॉल, आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, याद कीजिए, व्हाट आर द डिफरेंट पर्पजेस फॉर विच वी नीड वाटर। तो ऐसे कौन से पर्पजेस है कि जिसके लिए हमें पानी लगता है, आप याद कीजिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आपने ये पिछले लेसन में पढ़ा होगा कि कौन से पर्पजेस है। Can you tell? अभी आप मुझे बताइए। The picture below shows some containers used for storing water at home. तो इनमें से कुछ उन्होंने फोटोज दिए हैं, पिक्चर्स दिए हैं, वो हम जो वाटर है वो स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक मटका है, ये भी एक मटका है, इसको यहाँ पे टैप है, नल है, इसको नहीं है, एक मॉडर्न टाइप का एक अभी ऐसा जार आता है, प्लास्टिक का जार रहता है, आपने देखा होगा कई ऑफिसेस में या बहुत सारे बैंक्स में ऐसा ही एक प्लास्टिक का जार रहता है जिसको नल रहता है, ये टैप है। ये हमारे घर में ज्यादा करके हमने देखी होगी, ये पानी की टंकी है जिसको वाटर टैंक भी कहते हैं। ये हंडा है, इसमें ये पीतल का हंडा है, पीतल के अगर बर्तन रहेंगे तो उसमें से पानी अगर आप पीते हो तो बहुत ही बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है, तो लोग पीतल का हंडा भी यूज करते हैं। और ये एक स्टील की टंकी है, ये भी आपने देखी होगी, कॉमन है। तो अभी ये लोग यहाँ पे बता रहे हैं, विच ऑफ दिस हैव कम इनटू यूज मोर रिसेंटली। तो इनमें से बहुत रिसेंटली कौन सा आया है, तो रिसेंटली मतलब अभी नया नया, मतलब अभी हाल में, तो मुझे तो लगता है यही आया है, ये जो प्लास्टिक का जार है, ये पानी, ये प्लास्टिक की टंकी है जिसको सिंटेक्स टंकी भी कहते हैं, सिंटेक्स एक्चुअली कंपनी का नाम है लेकिन ये प्लास्टिक की टंकी है। व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक दिस डिफरेंट कंटेनर्स, तो ये जो सब कंटेनर्स है वो बनाने के लिए कौन से मटेरियल यूज हुए है, क्या आप बता सकते है। ये तो मट्टी का ही मटका है लेकिन इसमें थोड़ा सीमेंट भी रहता है, ये प्योर मट्टी का ही मटका है, ये तो प्लास्टिक का बना हुआ है, ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है, और जैसे मैंने बताया ये कॉपर का हंडा है, कॉपर एक मेटल है, और ये स्टील की टंकी है, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ लीड एंड टैप ऑन द कंटेनर, तो अभी आप थोड़ा सोचिए कि कंटेनर के ऊपर अगर ऐसी लीड रहेगी, लीड यानी ये ढक्कन, या अगर कंटेनर को टैप यानी ये नल रहेगा, तो उसके क्या एडवांटेजेस है, आप बता सकते हैं, थोड़ा सोचिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वी नीड वाटर ऑल द टाइम, हमें पानी पूरे समय लगता है, दिन में हर टाइम हमें पानी लगता है, हमें प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं, हम बाहर से आए घर पे आते ही हम पहले अपने हाथ पांव धो लेते हैं, हम सुबह उठते ही नहाते हैं, ब्रश करते हैं, हमारे बर्तन रहते हैं, खाना बनाने को हर टाइम अपने को पानी लगता ही है। वी हैव स्टोर वाटर इन द हाउस सो दैट वी कैन गेट इट व्हेन वी नीड इट। तो हम पानी जो है वो घर में स्टोर करते हैं, ये ऐसे ऊपर जो जितने कंटेनर्स दिए हैं, वाटर बॉटल्स हो गई
और सारे बर्तन हो गए जिसमें हम पानी स्टोर करते हैं अपने घर में ही। क्यों स्टोर करते हैं? क्योंकि जब भी हमें उसकी जरूरत हो तो हम उसे यूज कर सकते हैं, हम वो निकाल सकते हैं। वी कैन गेट इट वेन वी नीड इट, हमें जब भी जरूरत पड़ेगी हम वो निकाल लेंगे। अर्लियर ब्रास एंड कॉपर पॉट्स एज वेल एज अर्थन पॉट्स वेयर यूज टू स्टोर वाटर। तो पहले की बात है, अर्लियर मतलब पहले, ब्रास एक मेटल है, ये कॉपर का हंडा है मैंने पहले बताया था आपको। तो उसके साथ ही अर्थन पॉट्स यानी मिट्टी का मटका वो भी यूज करते थे। किसके लिए? स्टोर वाटर, वाटर स्टोर करने के लिए वो यूज करते थे। आस्क योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स फॉर द नेम्स बाय विच दिस डिफरेंट पॉट्स वेयर नोन। तो अब अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए कि उनको कौन से पॉट्स पता है, ओके, पानी स्टोर करने के लिए। एक घाघर भी आती थी पानी स्टोर करने के लिए, घाघर एक मट्टी का मटका ही रहता है लेकिन थोड़ा सा बड़ा रहता है। तो चलिए अभी आगे पढ़ते हैं। पीपल एल्सो बिल्ड टैंक्स इन देयर हाउसेस टू स्टोर वाटर। तो लोग अपने घरों में भी पानी की टंकी बनाते हैं। ज्यादा करके आजकल कोई बनाता नहीं, घर में नॉर्मली ये प्लास्टिक की टंकी ही लोग परचेस करके फिट कर देते हैं पानी सेव करने के लिए। Nowadays, steel or plastic is also used to make different containers for storing water. तो आज के दिन ये कॉपर या ब्रास का जो बर्तन या कंटेनर नहीं लोग यूज करते पानी स्टोर करने के लिए, आजकल स्टील और प्लास्टिक यूज करते हैं क्योंकि वो काफी सस्ता रहता है। स्टील तो थोड़ा महंगा है लेकिन प्लास्टिक तो बहुत सस्ता रहता है कंपेयर टू कॉपर, ब्रास एंड स्टील। ओके, तो भी आगे देखते हैं। केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो हमें जो पीने का पानी है उसकी केयर कैसे करनी चाहिए, ऊपर उन्होंने क्वेश्चन किया था। टैप से एडवांटेज है, टैप या लीड से, तो अभी वो हम आगे देखेंगे। टू एंश्योर गुड हाइजीन, इंश्योर यानी पक्का एंड हाइजीन मंजे स्वच्छता, हाइजीन मीन्स स्वच्छता, स्वास्थ्य रक्षा। तो अगर आपको स्वच्छता पक्की करनी है, टू एंश्योर गुड हाइजीन वी मस्ट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर ही चाहिए, ओके, जो पानी सुरक्षित है वो अगर हम लेंगे, वो अगर हम ड्रिंक करेंगे तो ही हम अच्छी स्वच्छता या अपनी स्वास्थ्य रक्षा रख सकते हैं। इफ वी कंज्यूम कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड यानी दूषित मैला पानी, ओके, इफ वी कंज्यूम दूषित वाटर इट कैन कॉज डिसीज। अगर हमने मैला या दूषित पानी अगर पिया, हमने कंज्यूम किया, तो हमें रोग हो सकते हैं। इट कैन कॉज डिसीज, उससे रोग हो सकते हैं। दैट इज वाई वी टेक स्पेशल केयर ऑफ द वॉटर वी स्टोर फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। दैट इज वाई उसके लिए वी टेक स्पेशल केयर, हम एक खास प्रकार की केयर करते हैं, ओके, अपन विशेष काळजी घेतो उसके हम स्पेशल केयर करते हैं। किसके लिए? जो हम पीने का जो पानी है उसके लिए, और जो हम कुकिंग के लिए जो पानी यूज करने वाले हैं उसके हम स्पेशल केयर करते हैं। वी कीप द ड्रिंकिंग वाटर कंटेनर्स कवर्ड। तो जो ड्रिंकिंग पानी के जो कंटेनर्स रहते हैं, कोई भी बर्तन हो, हंडा हो, टंकी हो, कोई भी कंटेनर, वो हम कवर करके रखते हैं, ओके। दिस प्रिवेंट्स, प्रिवेंट्स यानी रोकना, दिस प्रिवेंट्स डस्ट एंड अदर रबिश फ्रॉम एंटरिंग द वॉटर। तो इससे क्या होता है, जो डस्ट है और कुछ भी रबिश, जो ऐसा गंदा कोई भी ऐसा पार्टिकल है उसको हम प्रिवेंट करते हैं, उसको हम रोकते हैं पानी के अंदर जाने से, फ्रॉम एंटरिंग द वॉटर। इफ वी डीप आवर हैंड्स इन द वॉटर टू टेक इट आउट, अगर हम लोगों ने अपने हाथ से पानी बाहर निकालने को चाहा, हमने अपने हाथ से ही ऐसा एक ग्लास लिया और मटके में या कंटेनर में ऐसा डुबा दिया हाथ से ही, तो क्या होगा?
डर्ट ऑन योअर हैंड्स कैन एंटर द वॉटर, तो आपके हाथों के ऊपर जो डर्ट लगी है, जो स्मॉल बैक्टीरियाज है, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो पानी के अंदर एंटर करेंगे, तो क्या होगा? पानी कंटेमिनेटेड हो जाएगा, पानी दूषित हो जाएगा। सो वी यूज अ डिपर, डिपर यानी पली, पली अपन ज्याला म्हणतो पली, जो डुबाने वाला एक ऐसा, ये देखिए इधर आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक चम्मच ही है, थोड़ा वो बड़ा रहता है आगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पानी निकाल सके। तो वी यूज अ डिपर, तो ऐसा हम एक पड़ी यूज करते हैं टू टेक द वॉटर एंड वी रिप्लेस द लीड एट वंस। तो हम क्या करते हैं, वो पानी निकालने के लिए डिपर यूज करते हैं, और जो ऊपर का जो लीड रहता है वो हम चेंज करते रहते हैं, वही नहीं रखते। ओके, बट द बेस्ट मेथड ऑफ टेकिंग वॉटर इज टू हैव अ टैप ऑन द कंटेनर। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड कौन सी है अगर आपको पानी निकालना है तो पीने के लिए? टैप ऑन द कंटेनर, टू हैव अ टैप ऑन द कंटेनर, मतलब जो भी कंटेनर, जो भी मटका रहेगा, टंकी रहेगी, उसको अगर नल रहेगा, उससे पानी अगर आप निकालोगे तो वो एकदम बेस्ट मेथड है। ठीक है, दिस वे इट बिकम्स इजियर। तो पानी निकालना देखो कितना आसान हो जाएगा, खाली टैप ओपन किया, नल खोला, पानी भर लिया, नल बंद कर दिया, तो बहुत ही इजी हो गया। एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन यानी मैलापन, दूषितकरण। हम अगर समझो, अगर अभी हम ऐसे ही पानी निकाल रहे हैं, ये भी एक अच्छी मेथड है, कोई उसमें बुराई नहीं है, लेकिन ये लीड भी थोड़ी गंदी हो सकती है, वो भी हम इस कंटेनर में डालेंगे। ओके, ये जो पली है, ये डिपर है, ये भी गंदा हो सकता है, वो हम कंटेनर में डाल के पानी निकालेंगे, तो थोड़े से बैक्टीरिया या थोड़े से डस्ट जर्म्स पानी के अंदर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस नल के द्वारा अगर पानी लिया तो बहुत ही इजी है, और आपका पानी से डायरेक्टली कांटेक्ट भी नहीं आएगा, आपने जितना पानी लिया टैप बंद कर दिया, आपका काम हो गया। तो आप क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या रोक सकते हैं? दूषितीकरण, जो पानी का कंटेमिनेशन हो रहा है वो आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, व्हेन द वॉटर इन अ कंटेनर इज फिनिश, जब भी कभी कंटेनर में से पानी जब पूरा खत्म हो जाता है, वी वॉश द कंटेनर वेल बिफोर रिफिलिंग इट। तो हमें वो जब पानी खत्म हो जाता है तो हम, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, ये जो कंटेनर है वो अच्छी तरह से फिर से धो के लेना चाहिए रिफिल करने से पहले, मतलब फिर से जब हम उसमें पानी भरेंगे उसके पहले वो अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। ओके, इफ वी टेक सच केयर, अगर हमने इतनी अच्छी तरह से उसकी केयर की, ड्रिंकिंग वाटर रिमेन्स क्लीन, तो जो आपका पीने का पानी है वो बहुत ही क्लीन रहेगा, स्वच्छ शुद्ध रहेगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है, वॉटर डज नॉट बिकम स्टेल, स्टेल यानी पुराना, बासी। अपना जो खाना रहता है वो समझो सुबह बनाया तो दूसरे दिन वो स्टेल हो जाता है, पुराना या बासी भी उसको कहते हैं। ओके, सम पीपल बिलीव दैट द प्रीवियस डेज ड्रिंकिंग वॉटर मस्ट बी थ्रोन अवे एंड फ्रेश वॉटर स्टोर एवरी डे। तो इन्होंने पहले ही कहा है, वॉटर डज नॉट बिकम स्टेल, पानी कभी भी पुराना या बासी नहीं होता। लेकिन सम पीपल ऐसा सोचते हैं, वो बिलीव करते हैं कि प्रीवियस डेज ड्रिंकिंग वॉटर, मतलब पहले दिन भरा हुआ, मतलब परसों के दिन भरा हुआ जो पीने का पानी है, अगले दिन आपने, मतलब पिछले दिन जो भरा है पानी, वो हमें फेंक देना चाहिए, मस्ट बी थ्रोन अवे एंड फ्रेश वाटर स्टोर एवरी एवरी डे, और हर रोज
आपको फ्रेश वाटर स्टोर करना चाहिए हर दिन, मतलब पिछले दिन का पानी फेंक दो और हर दिन नया पानी भरो, बिकॉज द प्रीवियस डेज वाटर बिकम स्टेल। लेकिन वो क्या सोचते हैं कि जो पिछले दिन का जो पानी है वो स्टेल हो गया, वो बासी हो गया, पुराना हो गया। बट दिस इज अ मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन यानी गलत फहमी, गैर समझ। ओके, तो ये क्या है? मिसकंसेप्शन है, ये गलत फहमी है। ऐसा नहीं होता, पानी कभी भी स्टेल या पुराना खराब नहीं होता। थ्रोइंग अवे दैट वाटर अमाउंट्स टू वॉशिंग टू वेस्टिंग गुड वाटर। तो क्या होता है, वो पानी फेंकने से अमाउंट्स मतलब उसका परिणाम क्या होता है, टू वेस्टिंग गुड वाटर। तो जो अच्छा पानी है वो हमने फेंक दिया, वो वेस्ट कर दिया। ओके, वो अच्छा पानी जो था पिछले दिन ही भरा हुआ था, अच्छा पानी था, वो फेंकने से आपने अच्छा ड्रिंकिंग वाटर वेस्ट कर दिया। ओके, वी शुड यूज ड्रिंकिंग वाटर फॉर अदर पर्पजेस ओनली इफ इट गेट्स डर्टीड ड्यू टू सम रीजन। अगर कुछ समझो रीजन से, कुछ कारण से, अगर आपका जो पीने का पानी है वो अगर खराब हो जाता है, डर्टी हो जाता है, तो आप वो किसी दूसरे चीज के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन आप फेंकिए मत। पीने के लिए तो जरूर यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो खराब हो गया, वो दूषित हो गया, तो वो तो अभी हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन किसी दूसरे चीज के लिए वो जरूर यूज कर सकते हैं। आप चाहिए तो आपके जो प्लांट्स है घर में, अगर आपने कुछ पौधे लगाए हैं तो आप उसको डाल दीजिए, वैसा आप यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यूज योर ब्रेन पावर। व्हाई हैव पीपल बिगन टू यूज प्लास्टिक और स्टील कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग वाटर। तो अभी आप मुझे बताइए, लोगों ने प्लास्टिक और स्टील के कंटेनर्स क्यों यूज करना चालू किया पानी स्टोर करने के लिए? तो वही सिंपल रीजन है, वो ब्रास और कॉपर तो बहुत कॉस्टली है, प्लास्टिक सस्ता है और स्टील भी वैसे सस्ता है उन कंपेरेटिवली कॉपर एंड ब्रास। ओके, तो इसके लिए शायद स्टील, अभी स्टील के भी ज्यादा नहीं यूज करते, प्लास्टिक के ही करते हैं, लेकिन प्लास्टिक हमारे नेचर के लिए, हमारे अर्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो आप आगे पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। ट्राई दिस, डू दिस अंडर एडल्ट सुपरविजन। तो अभी उन्होंने कहा है कि आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, छोटा सा लेकिन बड़ों के देखरेख में, सुपरविजन यानी देखरेख। आपके बड़े जो है, पेरेंट जो है, या आपके बड़े भाई बहन है, उनके सामने आप ये कीजिए, क्योंकि आपको कुछ खतरा ना हो, आपको कुछ ऐसा मतलब प्रॉब्लम ना हो उसके लिए। ओके, टेक अ प्लास्टिक बॉटल, एक प्लास्टिक की बॉटल लीजिए। कट ऑफ इट्स अपर नैरो पोर्शन, तो ऊपर से जो उसका नैरो पोर्शन जो रहता है उसके ढक्कन के तरफ, वो कट कर दीजिए, काट दीजिए। तो ये देखो, ये थोड़ा खतरनाक काम है काटने का, इसके लिए उन्होंने कहा है कि एडल्ट के सुपरविजन में कीजिए। ओके, मेक फोर स्मॉल होल्स ऑन द फोर साइड ऑफ द बॉटल नियर इट्स बेस। तो उसके बेस की तरफ, नीचे का जो बॉटम पोर्शन है वहां पे चार होल बना दीजिए। अभी आपको इस पिक्चर में तीन ही होल दिख रहे हैं। ओके, एक दो तीन और एक पिछले साइड एक चौथा होल है। ओके, तो ऐसे चार होल उसके बेस के नीचे बना दीजिए बॉटल के। कट अ स्पेंट बॉल पेन रिफिल इनटू फोर पीसेस। तो आपको एक स्पेंट बॉल पेन रिफिल लेनी है, जो बॉल पेन की रिफिल स्पेंट हुई है, पूरी खर्च हो गई है, मतलब उसमें थोड़ी भी जो उसकी शाई रहती है, इंक रहती है, वो थोड़ी भी नहीं है। ऐसे एक रिफिल लीजिए और फोर पीसेस में कट कीजिए। ओके, पिक्स वन पीस इनटू ईच ऑफ द फोर होल्स टाइटली। तो हर एक पीस,
हर एक होल में अच्छी तरह से टाइटली उसको फिक्स कर दीजिए, उसमें वो बिटा दीजिए। ओके, इतना होने के बाद फिल द बॉटल विथ वॉटर, तो वो जो बॉटल है वो पानी से भर दीजिए। व्हाट डू यू सी, अभी आपको क्या दिखेगा? वॉटर फ्लोज फ्रॉम ऑल द फोर ट्यूब्स, तो जो पानी है वो चार जो ट्यूब्स है, वो जो रिफिल है, रिफिल की ट्यूब्स, उसमें से पानी फ्लो हो रहा है। यहाँ पे देखिए ड्राइंग में आप देख सकते हैं। ओके, व्हाट डज दिस टेल अस, तो हमें ये क्या बताता है? यूजिंग पाइप्स, पाइप यूज करने से वी कैन डिस्ट्रीब्यूट वाटर स्टोर्ड इन वन प्लेस टू सेवरल डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम। तो पाइप यूज करने से वी कैन डिस्ट्रीब्यूट वाटर, हम पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट यानी डिवाइड कर सकते हैं, जो हमने स्टोर किया है एक जगह पे, एक जगह पे हमने जो स्टोर किया हुआ पानी है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे एक ही टाइम में हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अलग अलग जगह उसे भेज सकते हैं। ओके, तो अभी उससे हमें क्या समझेगा वो हम आगे देखेंगे। लार्ज सीमेंट और प्लास्टिक टैंक्स आर इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल्ड यानी एस्टेब्लिश करना, बनाना, स्थापित करना। तो लार्ज सीमेंट, सीमेंट के बड़े या प्लास्टिक के बड़े टैंक्स आर इंस्टॉल्ड, बनाए जाते हैं ऑन द रूफ्स ऑफ बिग बिल्डिंग्स, जो बड़ी बिल्डिंग्स रहती है। अगर आपकी भी बिल्डिंग है तो आपके बिल्डिंग के ऊपर एक ऐसी प्लास्टिक या ज्यादा करके सीमेंट की एक ऐसी बड़ी टंकी बनाई होगी। ओके, वाटर फ्रॉम दिस टैंक्स कैन बी पाइप इन टू द किचन्स, बाथरूम्स, टॉयलेट्स इन दिस बिल्डिंग्स। तो जो ऊपर की टंकी में जो पानी है जो स्टोर किया हुआ, वो पाइप के माध्यम से आपके किचन में, आपके बाथरूम में, आपके टॉयलेट में छोड़ा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, तो ऐसे हर एक बिल्डिंग में ऐसा ही होता है, ऊपर टंकी रहती है, वो टंकी से पाइप निकलते हैं, वो हर एक के घर में पाइप जाते हैं, हर एक के बाथरूम में जाते हैं, किचन में जाते हैं, टॉयलेट्स में जाते हैं, और वैसा वो पानी उन लोग को मिलता है ऊपर के टंकी से। ओके, When taps are fitted on the pipes, water can be taken or shut off according to the need. तो वो पाइप पे टैप बिठाए हुए रहते हैं, नल रहते हैं, तो जब भी कभी पानी चाहिए, नल खोल दिया, पानी ले लिया, water can be taken or shut off according to the need. और जैसी आपकी नीड है, जैसी आपको उसकी गरज है, जरूरत है, तो उसके हिसाब से आप शट ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं। This is how water from just one tank can be obtained at several places in a building at the same time. तो इसी प्रकार एक टैंक होने से जो पानी है वो बिल्डिंग में हर एक के घर में एक ही जगह, मतलब अलग अलग जगह पे, हर एक के घर में यानी अलग अलग जगह पे आपको एक ही टाइम मिल जाता है। तो देखिए कभी कभी बिल्डिंग में ऐसा एक फिक्स टाइम रहता है कि सुबह 9 बजे पानी आएगा, मतलब जो ऊपर की जो टंकी है उसका जो टंकी का जो मेन टैप है वो लोग क्या करते हैं 9 बजे खोल देते हैं। तो वैसे ही वो 9 बजे खोल देंगे तो वो टंकी का पानी उस पाइप से जिसके ऊपर वो टैप है उस पाइप से आपके सारे बिल्डिंग में, सारे पाइप्स में चला जाएगा और फिर सबके घरों में चला जाएगा। तो 9 बजे आपके घर में पानी आ गया और जब टंकी का पानी खत्म होगा तो सेम टाइम पे सबके घर में पानी चला जाएगा। ओके, तो ऐसा है। अभी आप ये पिक्चर में देखिए, ये देखिए बिल्डिंग की टंकी है, बिल्डिंग है, इसके ऊपर ये टंकी है पानी की, 3 टंकियां है। ओके, यहाँ पे देखिए ड्राइंग में आप देख सकते हैं ये ओवरहेड टैंक है, ऊपर का टैंक जो टॉप में बिठाया है, एक समझ लीजिए बिल्डिंग है या आपका घर है, आपके घर में भी एक ऐसी टंकी रहती है प्लास्टिक की टंकी जो ऊपर हमने अभी पिक्चर में देखी थी। तो ये देखिए ये इधर गीजर को गए, ये आपका घर में गीजर है,
जो पानी गर्म करता है, इधर से ये टैंक ये देखिए, ये जो है ना, आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये जो ब्लू लाइन है ये ऊपर की तरफ इशारा कर रही है, मतलब ये पानी किधर से तो नीचे से आ रहा है और आपके टंकी में जा रहा है। शायद ये पानी आपके बिल्डिंग के टंकी से आ रहा है और आपके घर के टंकी में जा रहा है। ओके, अब ये जो ब्लू वाली ये लाइन है, इसका एरो देखिए नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ से निकल रहा है, आपके टॉयलेट में जा रहा है, आपके बाथरूम में जा रहा है, आपके किचन में जा रहा है। तो इस प्रकार ये सब होता है, इसको कहते हैं वाटर सप्लाई इन अ हाउस। ये घर में वाटर सप्लाई कैसे होता है ये दिखाया है, लेकिन ये जो ब्लू लाइन है ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ये किधर तो बाहर से आई है और ये आपके घर के टंकी में जा रही है, ताकि आपकी जो घर की टंकी है, ये जो टैंक है, ये भरने के लिए। ओके, अभी हम आगे देखेंगे। कैन यू टेल इफ द रूल इज फॉर एवरीवन इन द हाउस टू कुक फॉर देमसेल्व्स, व्हाट वुड बी द एडवांटेजेस द डिसएडवांटेजेस। अगर ऐसा रूल बनाया जाए घर में हर किसी के लिए, वो खाना अपने लिए खुद के लिए बनाएगा, मतलब हर एक जन अपने लिए खुद के लिए खाना बनाएगा, तो उसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि चलो हर एक को खाना बनाने को आ जाएगा, हर एक जन खुद के लिए खाना बनाएगा, घर में अलग अलग खाना बनेगा, अलग अलग टाइप का खाना ये को मिलेगा, अलग अलग टेस्ट रहेगी। डिसएडवांटेजेस क्या है, अभी वो खाना बनाएगा, हर एक जन अपना अपना खाना बनाएगा, उतने बर्तन बनेंगे, बर्तन यूज होंगे, तो अभी जितने ज्यादा बर्तन यूज होंगे उतना ज्यादा पानी वेस्ट होगा वो सारे बर्तन धोने के लिए, समझ रहे हो आप। तो ये डिसएडवांटेजेस हो सकता है। आगे देखते हैं, इफ एवरी फैमिली हैड टू कलेक्ट द वॉटर दे नीड एवरी डे फ्रॉम द रिवर, वॉट वुड बी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इफ एवरी फैमिली, अगर हर एक फैमिली को पानी लाने के लिए हर रोज, वॉटर दे नीड एवरी डे फ्रॉम द रिवर, अगर पानी लाने के लिए उन्हें हर रोज नदी के इधर जाना पड़ता है, रिवर के इधर जाना पड़ता है, तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस क्या है, मुझे तो इसमें कुछ एडवांटेजेस लगते नहीं, खाली फुकड़ उधर रिवर तक जाना पड़ेगा, वहां से वो पानी उठा के लाना पड़ेगा, इसमें बहुत टाइम ही जाएगा, उसमें बहुत श्रम आपके खर्च हो जाएंगे, आप थक जाएंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो मुझे तो इसमें डिसएडवांटेजेस लगते हैं। तो अभी आगे देखेंगे, वाटर सप्लाई फॉर अ ह्यूमन सेटलमेंट। सेटलमेंट यानी गांव, वसाहत, कॉलोनी। ओके, तो गांव या जो वसाहत है, कॉलोनी है, उसको वाटर सप्लाई कैसे होता है, सप्लाई यानी पुरवठा, उसको कैसे पुराया जाता है। ओके, पानी कैसे वहां तक उनको दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो हम अभी देखने वाले हैं। ये आप ड्राइंग में देख सकते हैं, ये एक डैम है, अपन ज्याला मराठी धरण बोलतो, लेक्स, रिवर्स, रिजर्वियर्स आर अवर सोर्सेस ऑफ वाटर। तो जो तालाब है, नदियां है, जो बड़े बड़े रिजर्वियर्स यानी जलाशय, जो बड़े बड़े जलाशय है यानी कि ये डैम है, ये हमारे पानी के सोर्सेस है, पानी के स्रोत है, जहां से हमें पानी एक्चुअल में मिलता है। समुन्दर भी एक बड़ा सोर्स हो सकता है, लेकिन समुन्दर का पानी हम यूज नहीं करते क्योंकि वो सॉल्टी होता है, इसके लिए हम वो यूज नहीं करते। तो हम किसका पानी यूज करते हैं, लेक्स का, रिवर्स का और ऐसे बड़े बड़े जलाशयों का। दे आर ऑफन एट लॉन्ग डिस्टेंसेस फ्रॉम अवर हाउसेस। तो एक्चुअल में क्या है ना, वो जो अभी रिवर वगैरह है आपके आजू बाजू में है क्या रिवर, नहीं, वो थोड़े हमारे सिटी से थोड़े दूर है, हमारे घरों से। दे आर ऑफन एट लॉन्ग डिस्टेंसेस, वो हमारे शहरों से, हमारे घरों से थोड़े दूर है। इट इज डिफिकल्ट टू कलेक्ट वॉटर फ्रॉम सच डिस्टेंट प्लेसेस।
तो ये बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही मेहनत भरा काम है, इतने डिस्टेंट यानी दूर, इतने दूर प्लेसेस से, दूर जगहों से पानी कलेक्ट करना, पानी लेके आना, ये बहुत ही कठिन काम है। बिसाइड्स वी कैन नॉट बी श्योर दैट द वॉटर कैन बी यूज एज इट इज फॉर ड्रिंकिंग, और हमें ये भी नहीं पता अभी हम इतने दूर जाके पानी वो लेके आएंगे वो हम पीने लायक भी है या नहीं है। खाली इतना टाइम जाएगा उधर से इतना दूर जाके पानी लाने को, तो हमें वो भी नहीं पता। ओके वो भी हम श्योरली नहीं बता सकते। दैट इज वाई अ लार्ज वाटर सोर्स इज आइडेंटिफाइड नियर अ सेटलमेंट। तो इसके लिए क्या करते हैं कि आपके आजू बाजू में, ओके, लार्ज वाटर सोर्स इज आइडेंटिफाइड नियर अ सेटलमेंट, तो जो वसाहत रहती है, जो एक गांव रहता है, उसके आजू बाजू में एक बड़ी सी एक लार्ज वाटर सोर्स एक बनाया जाता है, ऐसा एक टंकी, एक बड़ी टंकी बनाई जाती है। ओके वाटर फ्रॉम इट इज ब्रॉड थ्रू लार्ज पाइप टू अ कॉमन प्लेस। तो ऐसे जो आपके गांव के बाजू में या आपके सिटी के शहर के बाजू में ऐसी एक टंकी बनाई जाती है, तो वाटर फ्रॉम इट इज ब्रॉड थ्रू लार्ज पाइप। तो अभी वो बना तो ली, लेकिन वो अभी आपके घरों तक या आपके एरिया में, आपके सिटी में लाएंगे कैसे? थ्रू अ लार्ज पाइप टू अ कॉमन प्लेस। तो एक कॉमन प्लेस पे जहां पे आपकी टंकी है वहां पे बड़े बड़े पाइप से वो पानी आपके जो वाटर सोर्सेस है, लेक्स, रिवर्स, बड़े बड़े डैम, वहां से बड़े बड़े पाइप से वो आपके सिटी के नजदीक जो एक कॉमन प्लेस है, एक कॉमन टैंक है, वहां पे लाया जाता है। देयर द वॉटर इज मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो वहां लाने के बाद जो पानी है उसे सेफ किया जाता है, उसे सुरक्षित किया जाता है पीने के लिए। तो उस प्रोसेस को दिस इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण, फिल्ट्रेशन, उसको क्लीन किया जाता है। तो वो पानी एक बार नदियों से, लेक से, डैम से, बड़े बड़े पाइप में से लेके आते हैं आपके एक कॉमन प्लेस पे। कॉमन प्लेस यानी एक बड़ा टैंक हो सकता है। वहां लाने के बाद उसको सेफ किया जाता है, वो पीने लायक बनाया जाता है। वो प्रोसेस को कहते हैं प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण। अगर वो गंदा रहेगा तो आप पियेंगे क्या? नहीं, इसके लिए वहां पे जाके उसको प्यूरिफाई किया जाता है। अरेंजमेंट्स आर मेड टू डिस्ट्रीब्यूट दिस वाटर ऑल ओवर द टाउन और सिटी। और ऐसी अरेंजमेंट की जाती है, ऐसी योजना बनाई जाती है और बनाई हुई रहती है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जो आपका पानी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए आपके पूरे शहर में, आपके पूरे गांव में, या आपका पूरा एरिया जो है वहां पे वो हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट यानी हर जगह पे भेजा जा सके। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो उसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन यानी विभाजन, उसको अलग अलग जगह पे भेज देना, उसका फैलाव करना। ओके अभी हम आगे देखते हैं। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, व्हेन वी ड्रॉ वाटर इनटू अ स्प्रे पंप फ्रॉम अ बकेट ऑफ द वाटर, इन विच डायरेक्शन डज द वाटर फ्लो। जब हम, जब ये होली का जो अब दिन रहता है ना, तब हम वो एक ऐसा पिचकारी लेते हैं और ऐसा बाल्टी में डुबा के हम वो पिचकारी ऐसा पीछे पीछे के टायर साइड वो ऐसा खींचते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये जो पानी है वो कौन से डायरेक्शन में ये जो पिचकारी रहती है उसके अंदर जाता है? कॉमन है, वो ऊपर की तरफ जाता है। बाल्टी तो नीचे रहती है, हम ऐसा ऊपर की तरफ उसको खींचते हैं, तो ये पानी जो है वो ऊपर की तरफ फ्लो होता है। उन्होंने यही पूछा है, इन विच डायरेक्शन डज द वॉटर फ्लो। तो वो अपर डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो होता है। ओके वॉटर टैंक्स एट हाइट। तो अभी हमने देखा जो सिटी में एक कॉमन प्लेस रहता है, एक कॉमन टैंक रहता है, वो किधर रहता है? हाइट पे रहता है, ऊपर की तरफ रहता है, ऊपर की तरफ। ओके
वी नो, आपने ऐसा देखा भी रहेगा आपकी किधर एरिया में, अगर नहीं देखा तो ऑब्जर्व कीजिए, आपके बिल्डिंग में तो टैंक ऊपर ही रहता है ना, वैसे ही ये बड़ा टैंक है, ये सिटी में हर जगह पे ऐसा ऊपर रहता है, आपको दिखेगा, दूर से भी आप देखेंगे ना आपको नजर आएगा, उसके ऊपर लिखा भी रहता है वाटर टैंक करके। वी नो दैट वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स, तो आपको पता है ये जो पानी है वो क्या ऊपर की तरफ नहीं फ्लो होता। हाँ, अगर वो फाउंटेन रहेगा, उसको फाउंटेन को मोटर रहती है, मशीन रहती है, तो तभी वो ऊपर जाता है, लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर से वो नीचे ही आता है। ये क्यों होता है ऐसा? ग्रेविटी की वजह से। ये जो अर्थ जो है ये हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, तो इसके लिए ये जो वाटर भी है वो किधर फ्लो होता है? डाउन, डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ वो फ्लो होता है। ते खाली वाहते, पानी नेमी खालच्या दिशेने वाहते। ओके, बट इफ यू वॉन्ट टू लिफ्ट वॉटर अपवर्ड, लेकिन अगर समझो ये इधर नीचे किधर तो पानी है, और अगर हमें उसे ऊपर उठाना है, ओके, वी हैव टू यूज सम फोर्स, तो उसके लिए हमें कुछ फोर्स यूज करना पड़ेगा, कुछ एक उसके ऊपर बल लगाना पड़ेगा, बल यानी एक प्रेशर लगाना पड़ेगा। टू डू दैट वी नीड टू यूज अ मशीन, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? मशीन यूज करते हैं, उसे मोटर भी कहते हैं। मशीन यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर आर कॉल्ड पंप, तो वो जो मशीन रहती है, जो मोटर रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पंप। आपने सुना होगा पानी का पंप, चालू करो बंद करो, तो वही जो पंप रहता है वो क्या करता है? नीचे से पानी ऊपर की तरफ उठाता है, ऊपर की तरफ जो आपकी टंकी रहती है उसमें वो फिल करने के लिए, वो भरने के लिए। नीचे से पानी हम क्या हाथ से ऊपर लेके जाएंगे क्या? इतने ऊपर हम लोग जाएंगे तो उसमें बहुत थक जाएंगे, बाद में हम कुछ काम ही नहीं कर सकते, तो वो हम किसकी मदद से करते हैं? मशीन की मदद से करते हैं, उसको क्या कहते हैं? पंप। पंप्स रन्स ऑन डीजल और इलेक्ट्रिसिटी, तो ये जो पंप रहते हैं, वो जो मशीनें रहती है जो पानी नीचे से ऊपर उठाती है, ऊपर की टंकी भरने के लिए, वो किस पे चलती है? डीजल पे चलती है। जो अपनी जो बड़े बड़े ट्रक्स या बसेस रहते हैं वो डीजल पे चलते हैं। डीजल ये एक ऑयल है जो गाड़ी के इंजन में यूज होता है, तो वैसे ही वो मशीन चलाने के लिए भी डीजल यूज होता है, या इलेक्ट्रिसिटी भी यूज करते हैं। नॉर्मली सब जगह पे इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। आपने रेनी सीजन में देखा होगा, अगर किधर ऐसा पानी भर जाता है, बहुत बारिश गिरती है, तो तब वो देखो एक ऐसा धड़ धड़ आवाज करने वाला एक पंप लगाया रहता है, जो म्युनिसिपैलिटी या जो ऑफिसर्स रहते हैं जो काम करते हैं वो लोग एक पंप लगाते हैं, ताकि उधर का पानी निकाल के वो गटर में छोड़ देते हैं। ओके, आपने देखा होगा, तो वैसा वो डीजल का पंप रहता है। बिफोर इलेक्ट्रिसिटी वॉज डिस्कवर्ड इट वॉज नॉट पॉसिबल टू रेज वॉटर टू वेरी ग्रेट हाइट्स, तो जितने भी ऊंची ऊंची हाइट पे पानी लेके जाना पॉसिबल ही नहीं था। अभी आप ही सोचिए ना, इतना बड़ा, इतने हाइट पे ये टंकी है, ये टैंक इतने ऊपर है, तो हम नीचे से ऊपर कितना पानी लेके जाएंगे, कितने बार ऊपर नीचे करेंगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं था जब तक कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर्ड नहीं हुई थी। इलेक्ट्रिसिटी जब तक ढूंढी नहीं गई थी, उसका संशोधन नहीं हुआ था, तो तब पॉसिबल ही नहीं था कि इतने ऊपर पानी को रेस किया जाए, इतने ऊपर पानी को लेके जा सके, ये पॉसिबल ही नहीं था। बट इलेक्ट्रिक पंप्स कैन हेल्प अस टू डू सो, बट जो इलेक्ट्रिक पंप है या डीजल पंप है वो हमें इससे मदद करते हैं ऐसा करने के लिए, नीचे से पानी ऊपर ले जाने के लिए। हेंस वाटर कैन बी फिल्ड इन टैंक्स एट हाइट, इसी की वजह से हम ऊपर का जो पानी का टैंक है वो हम पानी से भर सकते हैं। ओके, इसको वाटर टॉवर भी कहते हैं, ये देखिए वाटर टॉवर। एंड सप्लाई फ्रॉम देयर टू टाउन्स एंड सिटीज, तो एक बार इधर ऊपर ये पानी पूरा भर गया, इसके बाद यहां से हम एक पाइप निकालेंगे और आपके पूरे सिटी में वो पाइप को
फैला देंगे और उससे सब जगह पे पानी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके आगे देखते हैं। सच टैंक्स आर यूज टू स्टोर द वॉटर दैट लीव्स द वॉटर प्यूरिफिकेशन प्लांट। तो ऐसे जो वॉटर टावर के ऊपर जो बड़े बड़े टैंक रहते हैं वो पानी सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। दैट लीव्स द वॉटर प्यूरिफिकेशन प्लांट, और उनमें से जो स्टोर किया हुआ पानी है वो कहाँ से आता है? जो प्यूरिफिकेशन प्लांट रहता है, जहां पे पानी प्यूरिफाई किया जाता है, शुद्धिकरण पानी का किया जाता है, तो वहां पे ये जो पानी फिर निकलता है वो बाद में ऊपर टैंक में स्टोर करते हैं। अकॉर्डिंग टू नीड वॉटर इज रिलीज फ्रॉम दिस टैंक्स थ्रू बिग पाइप्स। तो जैसी नीड होगी, जैसी उसकी आवश्यकता होगी पानी की, उसी मात्रा में वो पानी रिलीज किया जाता है, छोड़ दिया जाता है वो बड़े बड़े टैंकों से। तो बड़े बड़े टैंक रहते हैं उनमें से वो पानी रिलीज किया जाता है, और उसके लिए बड़े पाइप्स रहते हैं। तो एक बड़ा पाइप रहता है, अगर छोटा सा पाइप रहेगा तो कितना स्लोली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके लिए वो पहला वो स्टार्टिंग में बड़ा पाइप यूज करते हैं। दिस पाइप ब्रांचेस आउट इनटू मेनी स्मॉलर पाइप्स। तो वो जो बड़े बड़े पाइप्स रहते हैं फिर उसके उसको छोटे छोटे पाइप्स, स्मॉल पाइप्स उसको कनेक्ट करते हैं। तो दिस पाइप ब्रांचेस आउट इनटू मेनी स्मॉलर पाइप्स, उसके आगे छोटे पाइप्स बन जाते हैं। विच लीड द वॉटर टू डिफरेंट एरियाज अराउंड द लार्ज वॉटर टैंक। तो वो जो लार्ज, जो बड़ा टैंक है, उसके अराउंड का जो एरिया है, उसके आजू बाजू का जो एरिया है, वहां पे वो छोटे छोटे पाइप से वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब टैंक से बड़ा पाइप, बड़े पाइप में से छोटे छोटे पाइप्स, और वो छोटे छोटे पाइप्स आपके जो टैंक के आजू बाजू का जो इतना भी एरिया है वहां तक वो सप्लाई किया जाता है। इन अ पर्टिकुलर एरिया द पाइप ब्रांचेस आउट इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पाइप्स व्हिच टेक वाटर टू एवरी हाउस। तो वैसे ही उन्होंने बताया है कि पर्टिकुलर एरिया में, एक कौन से तो एरिया में, द पाइप ब्रांचेस आउट इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पाइप्स व्हिच टेक वाटर टू एवरी हाउस। तो छोटे पाइप्स आते हैं, फिर उन पाइप में से और छोटे पाइप्स आते हैं, तो उनकी एक ब्रांच बन जाती है। तो वो ब्रांचेस आपके घरों तक आती है और आपके घरों में पानी आता है। ये ऐसा नॉर्मली जो ऐसे बिल्डिंग वाले घर नहीं होते, ऐसे नॉर्मली ऐसे चौल टाइप घर रहते हैं, वहां पे डायरेक्टली आपके घरों में ही पानी मिलता है। तो आप समझे ये पानी कैसे आता है। इन सम प्लेसेस देयर आर टू और थ्री कॉमन टैप्स फॉर द होल एरिया। तो ये जो इतना बड़ा पूरा एरिया है, तो वहां पे हर जगह पे दो या तीन कॉमन टैप्स रहते हैं। यानी समझो अगर एक एरिया है, समझो ईस्ट और वेस्ट के लिए एक टैंक में से पानी जा रहा है, तो समझो अभी थोड़ी देर के लिए वेस्ट का पानी हमें बंद करना है और ईस्ट का चालू रखना है। तो वेस्ट साइड को जाने वाली जो ब्रांचेस है वहां पे एक टैप रहेगा, वो टैप डायरेक्टली बंद कर देंगे तो वेस्ट साइड का पानी बंद हो जाएगा। ईस्ट साइड का टैप बंद नहीं करेंगे, वो चालू रहेगा। अगर हमें ईस्ट का बंद करना है तो ईस्ट का बंद कर दो, वेस्ट का ओपन करो। तो ऐसे उन्होंने बताया है कि इन सम प्लेसेस, कई जगहों पे, देर आर टू और थ्री कॉमन टैप्स फॉर द होल एरिया। तो पूरे एरिया के लिए यहाँ वहां पे कॉमन टैप्स हो सकते हैं, कॉमन नल रहते हैं। पीपल लिविंग इन दैट एरिया कम देयर टू फील वॉटर फॉर देयर फैमिलीज। हाँ, तो अभी उन्होंने क्या बताया है कि किस किस जगह पे कॉमन टैप, कॉमन नल भी रहते हैं। आपके एरिया में ऐसे दो तीन नल भी हो सकते हैं, तो लोग वहां पे जाके भी पानी भर सकते हैं। ओके, वो कॉमन टैप पे जाके वो लोग पानी भरते हैं। आपने ऐसा चौल में देखा रहेगा, ऐसे जो बिल्डिंग वाले घर नहीं रहते, ऐसे ऐसे स्प्रेड वाले घर रहते हैं, यहाँ पे आप ड्राइंग में नीचे पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसे जो छोटे छोटे घर रहते हैं वहां पे कॉमन टैप रहता है, एक सार्वजनिक नल अपन जला मन तो जो कॉमन रहता है, तो वहां पे सब लोग आके लाइन में पानी भरते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉइंग में अभी कैसे दिखाया है।
ये जो बड़ा एक डैम है वहां से ये बड़े पाइप में से ये पानी निकला, ओके। फिर ये प्यूरिफिकेशन सेंटर है, लेकिन ये डैम में पानी कहाँ से आया? बिकॉज ऑफ रेन, ये बादलों से पानी डैम में आया, डैम फुल हो गया, फिर वहां से पाइप लेके ये प्यूरिफिकेशन सेंटर में आया, इधर वो पानी पूरा प्यूरिफाई कर दिया, फिर वहां से निकला तो ये उनका और एक कुछ सेंटर है वहां पे गया वो पानी, फिर वहां से निकला। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो बड़ा टैंक है, वाटर टैंक जो वाटर टॉवर के ऊपर खड़ा है, उसको उधर इंस्टॉल किया है, तो वो वहां से इसमें गया। किसके हेल्प से? उन्होंने यहाँ पे वाटर पंप यूज किया, तो वाटर पंप की मदद से उन्होंने ये ऊपर का वाटर टैंक पूरा भर दिया। अब ये वाटर टैंक भरने के बाद फिर से वो पानी उन्होंने नीचे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोगों के घरों तक। ये देखिए यहाँ पे आया एक, ये जो पाइप है इस बिल्डिंग को गया है, ये बड़ी बिल्डिंग है इधर गया है, यहाँ से देखिए फिर से वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ इस कंपनी को गया है। तो ऐसे ये बड़े कॉमन वाटर टैंक से सब जगह पे पानी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ओके। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसको कहते हैं जर्नी ऑफ वाटर फ्रॉम सोर्स टू हाउस, मतलब ये सोर्स से वहां से घरों तक जो वाटर का जर्नी है वो हमने देखा। अभी ये क्या बोल रहे हैं, डू यू नो, क्या आपको पता है, ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। तो मनुष्य जो है, हम लोग सभी सभी जिंदा प्राणी, सभी एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते आप। विदाउट ऑक्सीजन यानी हवा के बिना तो आप थोड़ी देर भी जिंदा नहीं रह सकते, पानी के बिना आप थोड़े दिन आप जिंदा रह सकते हो लेकिन उसके बाद आप मर जाओगे, तो पानी बहुत जरूरी है। हेंस इट इज नेसेसरी टू हैव अ सोर्स ऑफ वाटर एज क्लोज एज पॉसिबल टू वेयर वी लिव। तो इसी के लिए जो पानी का जो सोर्स है, सोर्स ऑफ वाटर, वो आपके आप जिधर रहते हो वहां पे नजदीक में होना बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो आप जिधर भी किधर भी रहते हो वहां से थोड़ा नजदीक होना चाहिए। दैट इज वाई इन ओल्डन डेज, इसी के वजह से जब पुराने मतलब पहले दिनों, सिटीज ग्रीव ऑन द बैंक्स ऑफ बिग रिवर्स, तो जो शहर थे, जो सिटीज थी पुरानी सिटीज, वो नदी के बैंक्स पे ग्रीव होती थी। जो नदी का जो किनारा रहता है वहां पे वो सिटी बसती थी, लोग वहां पे आके सिटी बनाते थे। देर आर मेनी सच सिटीज इन अवर कंट्री, तो ऐसी बहुत सारी सिटीज हमारे भारत देश में है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ अवर कंट्री, तो दिल्ली हमारा भारत देश का कैपिटल है, राजधानी है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में यमुना करके एक नदी है, उसके बैंक पे दिल्ली, ये जो हमारा राजधानी शहर है, वो बसा हुआ है, सिचुएटेड। पटना ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा इन बिहार, तो जो पटना जो है वो गंगा करके एक रिवर है वहां पे बसा हुआ है। एंड नासिक इन महाराष्ट्र, हमारा जो महाराष्ट्र है, अपने महाराष्ट्र, नासिक है एक शहर है, नासिक ये एक शहर है, वो गोदावरी नदी के बैंक पे सिचुएटेड है। आर अदर एग्जाम्पल ऑफ सच एंशियंट सिटीज, एंशियंट यानी प्राचीन, तो ये जो सब सिटीज है वो प्राचीन सिटीज है, ऐसी जो पुरानी सिटीज है जो पहले से थी वो ऐसी, वो रिवर के बैंक्स के ऊपर सिचुएटेड है। उससे क्या होगा, जितना पानी का सोर्स, तब तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ नहीं थी, पानी कैसे लाएंगे घरों घरों तक, तब क्या जितना ज्यादा आप पानी के सोर्स के, रिवर के नजदीक आप रहेंगे उतना पानी आपको लाने को इजी होगा। तो इसके लिए उस टाइम
ये जो सिटीज थी, ये जो शहर थे, वो नदी या तालाब के किनारे लोग बसाते थे। ओके, आगे देखेंगे। इवन टुडे इन सम प्लेसेस वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम वेल्स और बोरवेल्स फॉर यूज एट होम। आज भी कई जगहों पे वाटर, पानी जो है, कुओं से, वेल्स और जो बोरवेल रहती है, जो हाथ से ऐसा हिला हिला के वो ऐसा पानी ऊपर आता है, तो वहां से भी आज भी पानी लाया जाता है। बोरवेल्स आपने देखी रहेंगी, बच्चों को बहुत पसंद आता है ऐसा। वो ऊपर उसका एक ऐसा रॉड रहता है, वो ऐसा ऊपर नीचे करते करते वो पानी ऊपर आता है। यहाँ पे उन्होंने ड्राइंग में दिखाया नहीं है, आप गूगल पे सर्च कीजिए बोरवेल तो आपको मिल जाएगा। बट इट नीड्स टू बी एंश्योर दैट द वॉटर इज पोटेबल। लेकिन वो हमें बहुत ही जरूरत है एंश्योर करना, पक्का करना कि वो पानी पीने लायक है कि नहीं। अगर पीने लायक नहीं है तो हमें उसे पीने लायक बनाना है। आपको पता है पोर्टेबल वाटर हम कैसे कर सकते हैं? पहला पानी को फिल्टर करना है, उसमें एलम घुमाना है, बाद में उसको बॉईल करना है ताकि उसमें से सब जो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो सब मर जाए। इफ इट इज नॉट, देन इट शुड बी बॉइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ ड्रिंकिंग। अगर आपको पीने के लिए वो आपका पर्पज है, वो आपका पीने का उद्देश्य है वो अगर पानी, तो आपको उसे उबालना पड़ेगा। इट शुड बी बॉइल्ड सो दैट इट विल नॉट एंडेगर आवर हेल्थ। वो उबालने से आपके जान को खतरा नहीं होगा। ओके, वो आपकी जान को खतरे में नहीं डालेगा। इन सम प्लेसेस वाटर इज सप्लाई बाय ट्रांसपोर्टिंग इट बाय मीन्स ऑफ टैंकर्स। तो कहीं जगहों पे पानी जो है वो ट्रांसपोर्ट द्वारा, ये ट्रक द्वारा, उसको परिवहन, ट्रांसपोर्टिंग को परिवहन कहते हैं, ट्रांसपोर्ट द्वारा सप्लाई किया जाता है। कहीं जगहों पे पाइप्स नहीं, पाइप्स का जो ब्रांचेस है वो नहीं बिछाया रहता, इंस्टॉल नहीं किया रहता, तो उस जगह पे पानी कैसे पहुंचेगा? तो ऐसा टैंकर से वो पानी लेके जाते हैं, फिर वहां पे जो लोग रहते हैं वो क्यू लगा के, ऐसा मतलब लाइन लगा के धीरे धीरे अपना हर एक जो बर्तन है, कंटेनर है, वो भरते हैं, बाल्टी में भरते हैं, हंडे में भरते हैं और वो लेके जाते हैं। आपने कई मूवीज में देखा होगा, आपने आपके एरिया में भी कभी देखा होगा। ओके, कैन यू टेल हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड इन योर हाउस एवरी डे? क्या आप बता सकते हो आपको दिन में कितना पानी लगता है? सब सबके घरों में, आप नहाते हो, आप बर्तन धोते हो, सब काम आप जितने भी पानी से करते हो, तो आप क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या कि आपको दिन में कितना पानी लगता है? आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि एक ऑन एन एवरेज, एवरेज एक सरासरी हमें कितना पानी लगता है। हु फील्स दिस वॉटर? ये जो घर में पानी है वो कौन भरता है? बहुत पानी भरना एक बहुत ही कठिन काम है। अगर आपके बिल्डिंग में, आपके घरों में अगर पानी 24/7 मतलब हर दिन कभी भी पानी रहता है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर टाइम टू टाइम पानी आ रहा है, समझो सुबह 9 बजे आ रहा है सिर्फ 1 घंटे के लिए, और रात को 7 बजे आ रहा है 1 घंटे के लिए, तब वो पानी भरना पड़ता है हर एक कंटेनर में, तो वो पानी कौन भरता है? आप बताइए। बहुत ही मेहनत भरा काम रहता है। ओके, आगे देखेंगे। ट्राई दिस, अभी आप ये खुद ट्राई कीजिए। मैं थोड़ा पानी पीता हूं। टेक एन एम्प्टी बकेट। अभी एक एम्प्टी बकेट ले लीजिए, खाली बकेट एक ले लीजिए। लिफ्ट इट टू गेट एन आइडिया ऑफ इट्स वेट। तो उसको उठाइए। ये देखिए ड्राइंग में ये लड़का एक एम्प्टी बकेट आराम से हंसते हुए उठा रहा है। तो लिफ्ट इट टू गेट एन आइडिया, एक आइडिया लेने के लिए उसका वेट कितना है, ऑफ इट्स वेट, उसका वेट कितना है, वो एक आइडिया लेने के लिए वो बकेट उठाइए। नाउ हाफ फिल इट विथ वाटर एंड सी हाउ
हाउ मच हेवियर इट बिकम्स। अभी वो हाफ फिल कीजिए, अर्धी भर दीजिए विथ वाटर, पानी से, एंड सी, और अभी देखिए कि वो कितनी हेवी हो गई, कितनी हेवी बन गई वो। देखिए अभी इसको नहीं उठाने को हो रहा है, बहुत हेवी बन जाती है वो। इट मस्ट बी क्वाइट हार्ड चोर टू कैरी अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डोंट यू एग्री? चोर यानि घर का काम, दैनिक काम, तो इट मस्ट बी क्वाइट हार्ड, तो ये बहुत ही कठिन काम है, क्वाइट हार्ड, जो घर का काम है, जो दैनंदिन काम के लिए आपको जो काम करना पड़ता है, तो वो बहुत ही कठिन है। टू कैरी अ बकेट फुल ऑफ वाटर, जो पूरी भरी हुई बकेट है, पूरी भरी हुई बाल्टी है, ये अगर आपको रोज उठानी पड़े एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाने के लिए, तो वो बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही हार्ड काम है। ओके, रिमेम्बर हाउ मच वाटर यू नीड इन योर हाउस, याद रखिए कि आपको आपके घर में कितना पानी नीड है, कितना पानी जरूरी है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच वर्क इज डन टू फील दैट मच वाटर, तभी आपको समझेगा कि उतना पानी भरने के लिए आपको कितना काम करना पड़ेगा। ओके, इतनी समझो आपके घर में 10 कंटेनर है और वो 10 बकेट है, 10 कंटेनर या 10 बकेट है, 10 टैंक है, तो वो सब भरने के लिए आपको बाहर से अगर पानी लाना पड़ेगा, वो भरना पड़ेगा, तो आपका कितना टाइम जाएगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि बहुत हेवी रहता है पानी, हेवी रहता है वो बकेट, हेवी रहता है, एक बार पानी से भर दिया तो बहुत हेवी बन जाता है, तो इतना आप उठा के लाओगे तो वो बहुत ही हेवी हो जाएगा। ओके, कैन यू टेल विच फ्यूल इज यूज टू रन द फॉलोइंग मशीन, तो कौन सा फ्यूल हम यूज करते हैं, अभी उन्होंने कुछ नीचे मशीन्स यूज की है, तो कौन सा फ्यूल हम यूज करते हैं वो बताइए। द हैंड पंप दैट लिफ्ट्स वाटर फ्रॉम अ बोरवेल, तो जो हैंड पंप रहता है, जो बोरवेल से पानी, बहुत एक डीप खड्डा रहता है, डीप एक ऐसा होल क्या रहता है ग्राउंड में, जमीन में, और उधर से वो पानी ऊपर लाता है, तो उसके लिए हम कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, उसके लिए हम कुछ फ्यूल नहीं यूज करते, हम उसमें हमारा खुद का जो मेहनत है, खुद हम मेहनत करते हैं, हम हाथों से वो ऊपर नीचे करते हैं, तो वो पानी ऊपर आता है। द पंप यूज टू स्टोर वाटर इन द वाटर टॉवर, तो जो बड़ा वाटर टॉवर है वहां पे जो वाटर पंप है उसमें कौन से फ्यूल यूज होता है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी वाला यूज होता है। ओके, द टैंकर दैट ब्रिंग्स वाटर टू अ सर्टन एरिया, तो वो जो टैंकर जो था, जो ट्रक था, वो हर एक एरिया में जाके जो पानी देने को जाता है, तो वो टैंकर चलने के लिए कौन सा फ्यूल यूज होता है, वो चलने के लिए पेट्रोल यूज हो सकता है, अगर वो टैंकर पेट्रोल पे चल रहा है तो, या डीजल यूज हो सकता है। ओके, ये जो सब व्हीकल्स रहते हैं वो पेट्रोल या डीजल पे चलते हैं, अभी थोड़े एक्सपेरिमेंट होने के बाद अभी कुछ कुछ ट्रक्स जो है वो गैस पे भी चलते हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे आगे। मेनी पीपल आर एंगेज इन द वर्क ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, तो जो पानी प्यूरिफाई करने का जो काम है उसमें बहुत सारे पीपल एंगेज रहते हैं, उसमें वो बहुत सारे पीपल काम करते हैं। ओके, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो वैसे ही स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उसमें एंगेज रहते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। विदाउट, अगर लोग कोई काम नहीं करेगा तो वो पानी प्यूरिफाई होगा क्या ऑटोमेटिकली, वो पानी स्टोर होगा क्या, डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या, वो सब जो बड़े बड़े पाइपलाइंस का जो ब्रांचेस आपके एरिया में है वो किसने डाला है, सब लोगों ने ही डाला है, अगर लोग नहीं रहेंगे तो वो सब होगा, नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी और डीजल आर यूज टू रन द मशीन्स, तो इलेक्ट्रिसिटी है जो वाटर पंप जो है वो चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी
या डीजल यूज होता है, ओके, और सब डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, प्यूरिफिकेशन करने के लिए, ऊपर स्टोर करने के लिए, अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट फॉर दिस वर्क. तो ये सब जो काम है, प्यूरिफिकेशन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है. अभी लोग क्या फुकट में काम करेंगे क्या? नहीं, उनको सैलरी देनी पड़ेगी. डीजल इलेक्ट्रिसिटी फुकट में आता है क्या? नहीं, उसका बिल भरना पड़ता है. तो उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है इस काम में. हेंस पोर्टेबल वाटर प्रूव्स टू बी एन एक्सपेंसिव सब्सटेंस. तो इसी वजह से जो पीने लायक जो पानी है वो बहुत ही एक्सपेंसिव पदार्थ है, वो बहुत ही महंगा पदार्थ, मटेरियल है, पदार्थ है. वी मस्ट टेक केयर ऑफ वाटर जस्ट एज वी टेक केयर ऑफ अदर वैल्यूएबल्स. तो हमारे जो दूसरे वैल्यूएबल चीजें है, कीमती चीजें है, उसी तरह से हमें जो पानी है उसकी भी हमें केयर करनी चाहिए, उसकी हमें तो क्या कहेंगे, उसकी हमें मराठी आपण त्याला काळजी घेणे बोलतो, आपण त्याची विशेष काळजी घेतली पाहिजे, उसकी खास करके उसकी देखरेख देखभाल करनी चाहिए ताकि वो वेस्ट ना हो, बहुत ही एक्सपेंसिव है, ओके. वी मस्ट नॉट अलाउ स्टोर टैप वाटर टू बी वेस्टेड और बिकम कंटेमिनेटेड. तो हमें कभी भी जो स्टोर वाटर का जो टैप है वो ओपन रख के उसे पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, या उसे जो पानी है उसे दूषित भी नहीं करना चाहिए, ओके. व्हाट कैन वी डू टू यूज वाटर विदाउट वेस्टेज. तो हम क्या क्या कर सकते हैं पानी बिना वेस्ट किए, तो हम क्या कर सकते हैं. इफ द वाटर यू हैव टेकन इन अ मग, अगर आपने एक मग में, पानी का जो मग रहता है उसमें अगर आपने पानी लिया है, टू वॉश योर फेस इज लेफ्ट वर, आपका मुंह धोने के लिए आपने थोड़ा मग में पानी लिया है और वो थोड़ा सा पानी बच गया, उस मग में थोड़ा सा पानी बच गया, आपका पूरा यूज नहीं हुआ, विल यू थ्रो इट अवे और कीप इट टू यूज लेटर. तो थोड़ा सा बचा हुआ पानी है क्या आप फेंक देते हैं या फिर से बकेट में डाल के उसे स्टोर करते हैं ताकि अगले टाइम आप यूज कर सके. तो हमें वो फेंकना नहीं चाहिए, वो हमें फिर से बकेट में डाल के उसे स्टोर करना चाहिए ताकि बाद में हम यूज कर सके. फेंक देने से तो वही अच्छा है ना. व्हाइल यू ब्रश योर टीथ डू यू कीप द टैप रनिंग. जब आप अपने ब्रश करते हैं सुबह, आप जब उठते हैं तब आप अपने टीथ ब्रश करते हैं, तब बहुत लोगों को ऐसी आदत रहती है जो नल है, टैप है, वो ऐसा ही ओपन रखते हैं, इधर ब्रश चालू है और उधर पानी चालू है. और डू यू टर्न इट ऑफ इन बिटवीन, या आप उसी बीच आप वो नल बंद कर देते हैं. आपको हमेशा वो नल बंद कर देना ही चाहिए, वो टैप बंद करना चाहिए ताकि पानी वेस्ट ना हो. डू यू थ्रो अवे द वॉटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स fruits etc, or do you water your plants with it. तो आप घर में आपके जो भी vegetables रहते हैं, fruits रहते हैं, वो धोने के लिए आप पानी use करते हैं, तो पानी तो directly आपके basin में चला जाता है, मतलब वो waste हो जाता है. लेकिन वही पानी अगर आप नीचे एक छोटा सा container या छोटा सा एक बर्तन रख के वो पानी अगर आप उसमें स्टोर करेंगे, टैप आपने नल खोल दिया, आप अभी सब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स धो रहे हैं, तो वो पानी वो छोटे से बर्तन में गिरेगा, मतलब वो पानी आपने वो सेव कर लिया. तो वो जो सेव किया हुआ पानी है वो आप जाके आप अपने प्लांट्स को डालिए, आपने जो घर पे छोटे छोटे पौधे लगाए है उसको डाल दीजिए. नहीं तो आप बाद में क्या करोगे, फिर से फ्रेश वाटर, अच्छा पानी लोगे और फिर वो जाके आप वो प्लांट्स को देंगे, तो इसमें पानी वेस्ट हो गया. तो वो जो पहला ही पानी है वेजिटेबल्स या प्लांट्स, फ्रूट्स, वो धोने के लिए जो पानी है वो आप सेव करके प्लांट्स को दे सकते हैं ना, बराबर कि नहीं, आपने पानी वेस्ट होने से बचा लिया.
When rinsing things under a tap, do you turn it on fully or just enough? तो जब कभी भी आपको रिंसिंग यानी धोना, आप कौन सी भी चीजें जब धोने को जाते हैं नल के नीचे, टैप के नीचे, तब जो टैप का जो स्पीड रहता है, पानी का स्पीड रहता है, वो फुल स्पीड में रखते हैं या जितना इनफ है, जितना चाहिए उतना ही रखते हैं? तो कभी भी आप जितना चाहिए, अगर छोटी सी चीज है तो बहुत छोटा सा ही टैप ओपन कीजिए, जो पानी का फ्लो है, फोर्स है, उसको थोड़ा ही स्मॉल पे रखिए ताकि पानी वेस्ट ना हो सके. ओके, यूज योर ब्रेन पावर. द गार्डन इज टू बी वॉटर्ड. टैप वॉटर एंड वेल वॉटर आर बोथ अवेलेबल. वॉट विल यू यूज? ओके, अभी एक गार्डन है, उसको पानी डालना है, बड़ा सा गार्डन है, उसको पानी डालना है. वहां पे एक टैप वाटर भी है, डायरेक्ट नल से पानी आया है, और एक वेल भी है, एक कुआं भी है. तो आप मुझे बताइए, आप कौन सा पानी उसमें से यूज करोगे? अभी आप टैप से पानी यूज करोगे, डायरेक्टली उसको पाइप लगा दिया, प्लास्टिक का पाइप आता है, पाइप लगा दिया डायरेक्टली आपने सब गार्डन को, ऐसा पाइप से ही पानी फटाफट डाल दिया. ओके, आपका काम तो बहुत इजी हो गया. लेकिन जो टैप में से जो पानी आ रहा है, वो प्यूरिफाई किया हुआ पानी है, शुद्धिकरण किया हुआ पानी है, अच्छा पानी है. वो आप बाद में थोड़ा सा उबाल के, थोड़ा सा फिल्ट्रेशन करके आप पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं. अगर आप नहीं यूज करेंगे तो कोई दूसरा करेगा यूज. लेकिन अगर आपने कुएं में से जो पानी है, वो तो पीने लायक नहीं है, वो पोर्टेबल नहीं है. उसे पोर्टेबल बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसको फिल्टर करना पड़ेगा, उसको बॉइल करना पड़ेगा. तो वो पानी अगर आपने डायरेक्टली प्लांट्स गार्डन को दिया, जो वो गार्डन में प्लांट्स है, तो जरूर वो वेस्ट नहीं होगा, वो ऑलरेडी उसको हम डाल सकते हैं. लेकिन टैप से डायरेक्टली डालना, मतलब जो अच्छा पानी है, स्टोर किया हुआ हम लोग ने पानी है, प्यूरीफाई किया हुआ, उसका वेस्टेज है. तो आपको वेल का पानी यूज करना चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ी मेहनत है, लेकिन वो पानी आपको यूज करना चाहिए. ओके, व्हाट वी हैव लर्न, तो हमने क्या सीखा? वी नीड वाटर कंटिन्यूअली, हमें पानी हर टाइम को लगता है. सो वी स्टोर वाटर एट होम, तो हम घर पे पानी स्टोर करते हैं. A lid and tap on a water container help to keep the water clean. तो जो ढक्कन रहता है, जो नल रहता है, वो कंटेनर अंदर से क्लीन रखने के लिए मदद करता है, ताकि हम उसमें डायरेक्टली हाथ नहीं डुबाते. ओके, कुछ उसके अंदर लीड के वजह से उसके अंदर डस्ट या रबिश थिंग्स अंदर एंटर नहीं करती, वो प्रिवेंट हो जाती है. एंड मेक इट easier टू यूज, और वो बड़ी आसान भी हो जाता है. टैप होने से आप इजीली पानी ले सकते हैं. इफ ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट पोर्टेबल, अगर जो पीने लायक पानी है, वो पीने का पानी जो पोर्टेबल नहीं है, पीने योग्य नहीं है, इट कैन कॉज डिसीज, उससे हमें रोग हो सकते हैं, डिसीज हो सकते हैं. देयरफोर स्पेशल केयर मस्ट बी टेकन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इसके लिए जो पीने का पानी है उसकी स्पेशल केयर की जाती है. उसे बहुत अच्छी तरह से, जो आपका कंटेनर रहता है, उसे अच्छी तरह से कवर किया जाता है. ओके, सिटीज एंड टाउन्स हैव वाटर प्यूरिफिकेशन सेंटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो बड़े बड़े जो सिटी, जो बड़े बड़े शहर रहते हैं, गांव रहते हैं, गांव में तो नहीं होता नॉर्मली, बड़े बड़े शहरों में ही ये होता है, वहां पे वाटर प्यूरिफिकेशन सेंटर रहता है, जहां पे सोर्स से पानी लेके उसे प्यूरिफाई किया जाता है, उसे पीने लायक बनाया जाता है, और वही पानी बाद में पूरे सिटी में, पूरे टाउन में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक सिस्टम रहती है. वो क्या सिस्टम रहती है? बड़ी टंकी रहती है, टंकी से पाइप निकलते हैं, वो पाइप आपके पूरे सिटी में चले जाते हैं, तो उसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं. If you use water from other sources, we should ensure that is potable. अगर आप
किसी अन्य स्रोत से, अन्य सोर्सेस से अगर आप पानी ले रहे हैं तो आप इंश्योर कीजिए, आपको इंश्योर करना चाहिए कि वो पीने लायक है कि नहीं। अगर पीने लायक नहीं है तो उसे बॉइल करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। ओके, ऑब्टेनिंग पोर्टेबल वाटर इन्वॉल्व्स लेबर एज वेल एज एक्सपेंसेस। तो पोर्टेबल वाटर बनाने के लिए उसमें बहुत ही श्रम मेहनत रहती है और उसमें एक्सपेंसेस भी रहता है, उसमें खर्चा भी होता है। ओके, वाटर शुड बी स्टोर प्रॉपरली एंड यूज केयरफुली। तो पानी हमें अच्छी तरह से स्टोर करना चाहिए और केयरफुली मतलब बहुत ही सावधानी से आपको वो यूज करना चाहिए, पानी का वेस्टेज नहीं करना चाहिए। ऑलवेज रिमेम्बर, हमेशा याद रखिए, वाटर इज वैल्यूएबल, वाटर बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही उसका वैल्यू है। टेक गुड केयर ऑफ इट, उसकी हमें अच्छी तरह से केयर करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है, ये जो लेसन है वो पूरा हो गया है। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपको क्या सब पॉइंट समझ में आए? अगर समझ में आए हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आपके कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है, आपको सब समझा है तो प्लीज़ लाइक बटन पटाक से दबा दीजिए। आपके दोस्तों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। उनको भी बताइए यहाँ से लर्न करने के लिए, उनको भी बोलिए वीडियो को लाइक करने को, कमेंट्स करने को और सब्सक्राइब करने को। और आगे जाके आपको ऐसे और चैप्टर्स और लेसन्स पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें वीडियो में जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे लिख के बताइए। और ऐसे ही अच्छे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ देखते रहिए रिव्यू नेक्स्ट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।